थोड़ा कर्मों का भी हिसाब किताब समझ लो, क्योंकि इस कर्म के हिसाब किताब से ही मोक्ष की स्थिति जुड़ी हुई है। पास्ट जन्म में बुरे कार्य किए हैं और इस जन्म में भी बुरे कार्य कर रहे हैं और अभी भी अगर हमारा चित्त बुरी ही दिशा में है, बुरे ही कार्यों की ओर है, तो ये हमारी यात्रा, ये हमारा प्रवास अंधेरे से अंधेरे की ओर जा रहा है। दूसरा, अगर गत जन्म में बुरे कर्म किए हैं, गत जन्म में बुरे कार्य किए हैं, इस जन्म में भी बुरे कर्म कर रहे हैं, लेकिन बुरी संगत में है, बुरी व्यवस्था में है, बुरे लोगों में है, लेकिन चित्त बुरे लोगों में नहीं है। आपकी सोच, आपके विचार, आपके चित्त अगर अच्छा ही होकर रहे तो ये यात्रा अंधेरे से उजाले की ओर हो रही है। भविष्य आएगा, आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा, उजाला जीवन में अवश्य आएगा। देखिए, पूर्ण जीवन बोलते ना, जीवन क्षण भंगुर है, जीवन बहुत छोटा सा है। जीवन के अंदर हम किस दिशा की ओर चल रहे हैं, कि देह का समापन करते समय हमारी दिशा कौन सी है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर रहता है। कई बार कई लोग जीवन भर बुरे कार्य करते हैं, बुरी संगत में रहते हैं, बुरी सोबत में रहते हैं, लेकिन जीवन के अंत में अच्छा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं, अच्छे गुरु सानिध्य को प्राप्त करते हैं, अच्छी सामूहिकता को प्राप्त करते हैं। तो जीवन भर खराब कार्य किए, बुरे कार्य किए, लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में अच्छी दिशा की ओर मुँह करके उनकी मृत्यु हुई है, तो क्या होगा? ये होगा कि नेक्स्ट बर्थ में, नेक्स्ट जन्म में वो अच्छी दिशा में ही जन्म लेंगे। आपका ना मुँह किस तरफ है, इसके ऊपर पूरे विश्व का फर्क पड़ता है। देखिए, जैसे अगर आपका मुँह इस तरफ है तो पास पास है, अगर आपका मुँह इस तरफ है तो आप एकदम पूरे बहुत दूरी पे चले गए। उसी प्रकार से अगर आपका अच्छी दिशा में मुँह है, अच्छे की तरफ मुँह है, तो आप निश्चित नेक्स्ट बर्थ में अच्छी दिशा में जाएंगे। तो ये यात्रा जो है, ये अंधेरे से उजाले की ओर की यात्रा कह सकते हैं। तीसरा है, पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए, इस जन्म में भी अच्छी संगत मिली, अच्छी सोबत मिली, और अभी भी भविष्य में भी अच्छा कार्य करने की इच्छा है। सदैव इच्छा ना अच्छा कार्य करने की रखो, सदैव अच्छा कार्य करने की इच्छा रखो, उससे हमसे अच्छे कार्य होते चले जाते। हम जिस दिशा की तरफ इच्छा रखते हैं, बराबर हमको वैसी शक्तियाँ मदद करती है, हेल्प करती है। तो ये यात्रा उजाले से उजाले की ओर है। और तीसरा वो प्रकार है,
जो पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए इस जन्म में मोक्ष का ज्ञान प्राप्त किया और इस जन्म में ही मोक्ष की प्राप्ति भी प्राप्त की, तो ये संपूर्ण उजाला ही उजाला है, ये आप लोग हैं। देखिए जैसे मैं दिल्ली जाने को निकला हूँ तो मैं तो मान के ही चलूँगा ना कि मेरे साथ जितने भी बैठे हैं सब दिल्ली जाएंगे, ठीक उसी प्रकार से जब मैंने मोक्ष प्राप्ति की है, मैं आपको मोक्ष का ज्ञान दे रहा हूँ, आप मोक्ष का ज्ञान ले रहे हैं, तो मैं मान के ही चलूँगा कि आप इसी जन्म में मोक्ष का स्थिति भी प्राप्त करेंगे। मोक्ष मृत्यु नहीं है, हमारी बहुत पुरानी धारणा है, बहुत पुरानी मान्यता है, मोक्ष यानी मृत्यु, मोक्ष मृत्यु नहीं है, मृत्यु अलग है मोक्ष अलग है। मोक्ष ध्यान की एक उच्च अवस्था है, ध्यान की एक अच्छी स्थिति है, जिस स्थिति में हमारा अस्तित्व शून्य हो जाता है। अस्तित्व शून्य हो जाता है यानी हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, शरीर में रहते हैं लेकिन शरीर के विकारों से परे रहते हैं, विकारों से दूर रहते हैं। इसी विषय के ऊपर मैं आगे चर्चा कर रहा हूँ, ये कैसे संभव है। ये संभव इसलिए कि हम अपने अस्तित्व को शून्य नहीं कर सकते, हम अपने विकारों पे नियंत्रण नहीं कर सकते, हम अपने विकारों से मुक्त नहीं हो सकते। जिस प्रकार से एक छोटी सी नदी समुद्र बनना चाहे तो एक छोटी सी नदी समुद्र नहीं बन सकती, लेकिन छोटी सी नदी समुद्र में समाहित हो सकती है। अगर वो समुद्र में चली गई तो कल से उसको कोई नदी थोड़ी बोलेगा, उसको समुद्र बोलेगा, क्योंकि उसका नामकरण समुद्र हुआ है, नदी नहीं। ठीक उसी प्रकार से मोक्ष की स्थिति, मोक्ष का ज्ञान जीवन में पाना और मोक्ष की स्थिति जीवन में प्राप्त करना, ये दोनों एक ही जन्म में बहुत ही कठिन है, बहुत ही नामुमकिन नहीं कह सकते, बहुत ही कठिन है। लेकिन इसी कठिन साधना को आसान एक ही मार्ग से किया जा सकता है, वो मार्ग है समर्पण, समर्पण और समर्पण। आज गुरु पूर्णिमा से अच्छा कोई पवित्र दिन नहीं हो सकता जब हम हमारी आत्म परीक्षण करें। आज आत्म परीक्षण का दिन है, अब आपका आत्म परीक्षण करो कि मेरा समर्पण कितने प्रतिशत है, कितने परसेंट है, और जितना परसेंट है उतना ही परसेंट आप अपना मान करके चलो। उससे अधिक दिखाने का, उससे अधिक बताने का, उसके अधिक प्रस्तुतिकरण का प्रयत्न मत करो। अगर ऐसा कुछ भी करेंगे तो कोई परीक्षा रहती है नहीं, उस परीक्षा में अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो माइनस मार्किंग होता है। ठीक उसी प्रकार से ये समर्पण का भी है, आपका अगर 10% समर्पण है तो आपका समर्पण 10% दिखाओ, आपका अगर समर्पण 20% है तो आपका समर्पण 20% दिखाओ, अगर आपका समर्पण 20% है और आपने 50% दिखाया तो 30% माइनस मार्किंग होगी, तो आप फिर और पीछे चले जाएंगे। इसलिए जो नहीं है उसको बताने का प्रयास मत करो, क्योंकि वो बताने का प्रयास करोगे तो माइनस मार्किंग में चले जाओगे, नुकसान में चले जाओगे। तो तुम्हारा समर्पण जितना है तुम उतना ही समर्पण दिखाओ, और ये समर्पण का भाव वृद्धिगत करते करते आपको उस शून्य की स्थिति तक प्राप्त करने का है। समर्पण का अर्थ आप जो लगाते हो वो केवल भौतिक स्तर के ऊपर है, यानी समर्पण यानी अपना सब कुछ दे देना,
अरे सब कुछ दे देना मतलब जिसको तुम देख सकते हो, जिसको तुम दिखा सकते हो, जिसको तुम बता सकते हो, तुम्हारा आशय केवल उन्हीं चीज़ों तक का है। और समर्पण का अर्थ इससे कई गुना बड़ा है, विशाल है। और वो विशाल ये समर्पण का अर्थ है कि उसमें समाहित हो जाना। मैंने बताया ना, एक छोटी सी नदी समुद्र में समाहित हो गई तो उसको समर्पित हो गई। और समर्पण होने के बाद में फिर आपका अस्तित्व शून्य हो जाएगा, आप मेरी प्रतिकृति बनेंगे। क्योंकि जब आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है तो जो मैं हूँ वो आप हैं। तो आप देखो ना कि जब माध्यम के मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है तो मेरे मन में क्यों है, माने मैं पूर्ण समर्पित नहीं हूँ। फिर अपना ही तुलना करो, माध्यम के मन में किसी के प्रति गुस्सा नहीं है फिर मेरे मन में क्यों है, अब आपका ही एनालिसिस करो। फिर दूसरा देखो, माध्यम के मन में किसी के प्रति लोभ नहीं है फिर मेरे मन में क्यों है, इसका मतलब मैं समर्पित नहीं हूँ। या माध्यम के मन में किसी के प्रति लालच नहीं है तो मेरे मन में लालच क्यों है। प्रत्येक जगह जगह पे देखो, माध्यम के मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है तो मैं माध्यम जैसा क्यों नहीं हूँ, मैं ईर्ष्या मेरे मन में क्यों है। दूसरा, माध्यम मांसाहार नहीं करता, मैं मांसाहार मेरा क्यों नहीं छूट पा रहा है, मैं उससे अलग क्यों हूँ, ये मांसाहार के कारण मैं उससे क्यों अलग हूँ। माध्यम कोई व्यसन नहीं करता, कोई शराब नहीं पीता, कोई सिगरेट नहीं पीता, बीड़ी नहीं पीता, मैं क्यों पी रहा हूँ, मैं बीड़ी क्यों पी रहा हूँ, मैं सिगरेट क्यों पी रहा हूँ, मैं शराब क्यों पी रहा हूँ, इसका मतलब मैं जिंदा हूँ। मैं शराब पी रहा हूँ, मैं बीड़ी पी रहा हूँ, मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मैं तंबाकू खा रहा हूँ, है कई साधक हैं, कई सालों से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये व्यसन उनके छूट नहीं रहे। इन व्यसनों के कारण उन्होंने अपना अस्तित्व मेरे से अलग रखा हुआ है। क्योंकि तंबाकू तुम खाओगे, तंबाकू मैं नहीं खाता, इसका मतलब तुमने तुम्हारा मैं अलग रखा है, तुम्हारा अस्तित्व अलग रखा है। तुम शराब पीते हो तो माध्यम नहीं पीता, इसका मतलब तुम शराब के कारण तुमने तुम्हारा अस्तित्व अलग रखा है। सिगरेट पीते हो तो माध्यम सिगरेट नहीं पीता, तुम सिगरेट पीते हो, इसका मतलब तुमने तुम्हारा अस्तित्व अलग रखा है। एक सिंपल बात बताऊँ क्या, आप मेरी प्रतिकृति बनो, जो मैं नहीं करता वो आपके हाथ से होना ही नहीं चाहिए। अगर आपके हाथ से हो रहा है तो कहीं तो भी आपने आपका अस्तित्व अलग रखा हुआ है। जिस प्रकार से नदी समुद्र में समाहित होने के बाद में वो समुद्र कहलाती है, नदी नहीं कहलाती, ठीक उसी प्रकार से जब आपने कहा कि स्वामी जी मैं आपको 100% समर्पित हूँ, इसका मतलब मैं ही स्वामी बन गया। आप कल्पना करो, एक स्वामी से अगर इतना बड़ा कार्य हुआ है तो 9000 स्वामियों से कितना कार्य होगा। तो मेरी इच्छा है इस गुरु पूर्णिमा में आप स्वामी बनकर के बाहर निकलो। Thanks for watching. Like. Comments. Share. And subscribe.